आया हुआ है, रानी मुखर्जी हैं इसमें, और ये मूवी बहुत ही एक अच्छा टाइप का लग रही है। एक ट्रेलर देखकर ये होता है ना कि हाँ इसमें कहानी एक अलग है, वैसा लग रही है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, यानी नॉर्वे का ये कहानी है, और वहाँ पे किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जाता है, किस हिसाब से बच्चों का अलग कर दिया जाता है, उसी के ऊपर कहानी है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को हेल्प का सहायता का जरूरत है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रेलर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, माइंड ब्लोइंग है। इससे पहले जो भी रानी मुखर्जी का जो पहले का मूवी था, जो ओल्ड इज गोल्ड, वो तो एक उनका छाप ही छोड़ने वाला सब मूवी था। और अभी का जो दौर में उनका जो मूवी आ रही है वो भी बहुत ही अच्छा रह रही है। जैसे मर्दानी में इतना अच्छा खासा उन्होंने एक्टिंग किया था, और ये जो मूवी है ना ये भी एक सुपर डुपर हिट होने वाली है। ये जो मूवी है आने वाली है आपको 17 मार्च को, ट्रेलर आज आया हुआ है। और ट्रेलर से ये समझ में आ रहा है कि अपना कल्चर अगर दूसरे जगह पे जाया करते हैं, वहाँ के आदमी को समझ में नहीं है, वहाँ के लोगों नहीं समझते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। वैसे ही वहाँ पे है, जैसे कि इंडिया में किस हिसाब से बच्चे को पला जाता है, किस हिसाब से रखा जाता है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें कुछ एक और ट्विस्ट है कि अगर वो लोग बच्चा अपने पास रखेंगे, वहाँ का पुलिस हो या वहाँ का जो बच्चा संभालने वाले हैं वो लोग हैं, उन लोगों का पैसा मिलता है। तो इसी के आधारित में ये कहानी मतलब बुनी गई है, और किस हिसाब से माँ अपने बच्चे को वहाँ से लेकर आती है, इसी के मतलब इर्द गिर्द में कहानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ वहाँ पे ये बताया जाता है कि टीका लगा रहा है वगैरह वगैरह, तो कल्चर को लेकर कुछ भी वहाँ पे कुछ और भी खोला गया है, बताया गया है। और इसमें भी ट्रेलर में भी देखा गया है, ट्रू इवेंट लिखा गया है, मतलब ट्रू स्टोरी लिखा गया है। तो ये एक है जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींचेगी। और हालांकि ये तो एक बड़ी मूवी नहीं है, छोटी मूवी है, तो इसके हिसाब से ये मूवी अच्छा खासा चलेगी, क्योंकि ये कहानी माँ के ऊपर है, अपने माँ अपने बच्चे को कैसे वहाँ से निकालती है, किस हिसाब से लेकर आती है, और कैसे कैसे कोर्टों में जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, इसी के मतलब सब इर्द गिर्द में कहानी चलेगी। मूवी अच्छी लग रही है, रानी मुखर्जी का ये मूवी शायद हिट होगी, अच्छा खासा चलेगी, क्योंकि कहानी में दम लग रही है, कहानी एक अच्छा खासा लग रही है। और ऊपर से वहाँ का सिटीजन पाने के लिए इनका जो हस्बैंड है वो इस पर उतना केयर नहीं कर रहे हैं, से अगर इसको कुछ करेंगे बच्चे के लेने के लिए तो वहाँ का सिटीजन जो मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। तो इसी के आधारित में ये कहानी है, तो माँ अपना बच्चा को कैसे लड़के लेती है, यही सबसे बात रहेगी इस मूवी में देखने। ओवरऑल अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देखा हुआ है तो आप लोगों को कैसा लगा हुआ है आप लोग कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आप लोगों के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बड़ी अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू और रिएक्शन वगैरह टू जेड मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग सब चैनल के साथ में बने रहें। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए मिसेस चटर्जी वर्सेस नरवे, आप लोग ट्रेलर देखें। बाय बाय।